मध्य प्रदेश के मंदसौर व शामगढ़ में सेन समाज ने दिया ज्ञापन। लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जिला सेन समाज द्वारा मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया को ज्ञापन देते हुए मांग की है कि लगभग 2 माह से लॉकडाउन के कारण सेन समाज का व्यवसाय बंद है। सेन समाज का जीवन यापन का साधन शौर्य कार्य ही है। अगर सेन समाज के लोग शौर्य कार्य का काम नहीं करेंगे तो ये अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। सेन बंधु रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण व्यवसाय बंद है। सेन बंधु ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की है कि केश शिल्पी योजना का लाभ दिया जाए तथा शहरी क्षेत्र में जो सेन बंधु निवास करते हैं उनके 8,000 रुपये माह व ग्रामीण क्षेत्र में 5,000 रुपये माह की आर्थिक सहायता देने की कृपा करें। शामगढ़ में भी सेन समाज में तहसीलदार आरएल मुनिया को ज्ञापन दिया गया। मंदसौर में ज्ञापन देते समय जिला अध्यक्ष शंभू सेन राठौर, नगर उपाध्यक्ष शेखर राज चौहान, नगर अध्यक्ष प्रहलाद परिहार, नगर युवा अध्यक्ष दयाराम चौहान, नगर युवा कोषाध्यक्ष हरि नारायण परमार, युवा नेता महेंद्र परिहार आदि मौजूद थे। साथ ही शामगढ़ में ज्ञापन देते समय डॉक्टर मुकेश चौहान, पंकज परिहार, नीलू सोलंकी, जगदीश परमार, सचिन परिहार, मुकेश डाक, पत्रकार राजू परिहार आदि उपस्थित थे। मंदसौर संवाददाता देवेंद्र मौर्य सहित शामगढ़ संवाददाता संजय चौहान की रिपोर्ट। जिला सेन समाज के नेतृत्व में आज विधायक जी को मुख्यमंत्री के नाम एक सेन समाज के द्वारा ज्ञापन प्रेषित किया है। ज्ञापन में मांग की है कि सेन समाज के बंधु सैलून व्यवसायी जो लगभग 2 माह से बिल्कुल बेरोजगार हैं उनके लिए सहायता राशि सरकार की तरफ से दी जाए, उसी को लेकर के हमने आज विधायक जी से चर्चा करी है। विधायक जी को ज्ञापन दिया है। विधायक जी ने कहा है कि हम मुख्यमंत्री से संपर्क करके चर्चा करके अति शीघ्र आपकी मांग का निराकरण करेंगे और सेन बंधुओं को निश्चित रूप से इसका लाभ दिलाया जाएगा और इसका फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। इसी को लेकर के सेन समाज का एक प्रतिनिधिमंडल आज विधायक जी से मिला है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया है, इसलिए समाज के प्रतिनिधि आए, पूरा समाज नहीं बुलाया गया। धन्यवाद। आज हमने सेन समाज के सभी बंधुओं द्वारा एकत्रित होकर माननीय तहसीलदार महोदय को माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नाम एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें केश शिल्पी बोर्ड के सदस्य जो भी है अपने शामगढ़ नगर के, उनको पालन पोषण लालन पोषण परिवार पालने के लिए जो सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए हमने ज्ञापन दिया गया है। कोरोना वायरस के चलते 1.5 महीने से जो बाज़ार बंद है, उस बाज़ार बंद में सबसे ज़्यादा केश शिल्पी बोर्ड के सदस्य पीड़ित हुए हैं, इनको लेकर के हमने ज्ञापन दिया गया ताकि इनको शीघ्र सहायता राशि प्रदान हो और इनका परिवार का लालन पोषण कर सके। क्या नाम सर? आप ज्ञापन दिया गया आज? आज सभी सेन समाज के बंधुओं द्वारा एकत्रित होकर जो कोरोना वायरस में 1.5 माह से केश शिल्पियों की दुकानें बंद पड़ी है, उनके परिवार के लालन पालन में बहुत ही तकलीफ आ रही है। हमने माननीय शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है कि कम से कम 5 से 8 हज़ार रुपये प्रति माह इन केश शिल्पी जो राशन कार्ड बने हुए हैं उनके खाते में डालें ताकि उनसे उनका परिवार का लालन पालन हो सके एवं उनके इस शौर्य कार्य के अलावा उनके पास और कोई बिजनेस नहीं है, वो इसी कार्य पर निर्भर हैं। इसलिए माननीय शिवराज सिंह चौहान से मेरा पुनः निवेदन है कि वे इस केश शिल्पी का जो कार्ड बने हुए हैं उन कार्डधारियों को आर्थिक मदद एवं कर यह पुण्य कार्य करें। धन्यवाद। शामगढ़ सेन समाज के यहाँ के इन लोगों के द्वारा कुछ किया गया है सेन समाज के लोगों के लिए? शामगढ़ के सेन समाज के द्वारा यहाँ पर कुछ व्यक्तियों द्वारा उनको जो हैं पीड़ित उनको इसमें सहायता की गई है। किस प्रकार किट दिए गए हैं? राशन के किट दिए गए हैं। क्या नाम है आपका? राम चौहान, जिला उपाध्यक्ष सेन समाज मंदसौर शामगढ़। निश्चित रूप से मैं लगातार उन लोगों से संवाद करता हूँ और टिप्पणी थोड़ी मेरी कड़वी और तीखी भी होती है। व्यापार व्यवसाय करने वाले सब तरह के लोग हैं, बहुत निचले स्तर के भी लोग हैं जो 2 जून की रोटी कमाने की स्थिति में रहता है और मिडिल क्लास के भी व्यापारी और हाई उच्च स्तरीय व्यापार व्यवसाय करने वाले भी लोग हैं। अभी लगातार 2 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ कि अनेक व्यापारियों ने
प्रशासनिक अधिकारियों से, जन नेताओं से, शासन से, प्रशासन से अपने व्यापार व्यवसाय खुलाए जाने को लेकर के बड़े संवाद किए। बैठकों का दौर दौरा भी चालू रहा, लेकिन कभी कभी मन होता है कि बहुत नीचे के स्तर वाले जो व्यापार व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उन्होंने इस पूरे लॉकडाउन के अंतर्गत बहुत धैर्य धारण कर रखा है। जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने